अभी कुसुम जी द्वारा सूचना दी गई थी वन विभाग को कि यहाँ पर एक सांप है, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया कि आप चले जाएँ, गौशाला है, दो दो गायें अभी उन्हें हटवा दी हैं और यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि सांप बैठा हुआ है। आजकल जैसे समय चल रहा है, धामन सांप पति पढ़ने संबंधों में रह रहे हैं, कोबरा नाग भी जुड़ों में रह रहा है। मैं आ गया हूँ, देखूँगा इन्हीं पत्तियों में बताया जा रहा है, इस पत्ती को हटाऊंगा तब देखूँगा, कोशिश करूँगा सांप को पढ़कर उसके प्राकृतिक वास में छोड़ने की। सांप और हमारी कुसुम दीदी दोनों सुरक्षित हैं, ये इसी उद्देश्य के साथ मैं आ गया हूँ। अब देखता हूँ कैसा सांप है, अब कोशिश करेंगे इसको पढ़कर उसके प्राकृतिक वास में छोड़ने की। भाई जी आप ना उधर चले जाओ, उधर नहीं जाएगा, जब तुम कह रहे यहीं है तो यहीं होगा। हाँ इधर खींच रहे ना, भाई जी इधर सामान खींचते हैं मेरा, ये ना देखना, पिंकी फोन बज रहा हूँ वहाँ पर। पर गुस्सा तो वो इसी में है। सारे डंडे पे देखिए, डंडे का डालो ना, मैं तो मनीष को ही फोन कर रही थी, आजकल तो मनीष भैया फोन भी नहीं उठाते भाई। पकड़ लिया भाई। क्या भाई इतना होता है क्या बात, तुम्हारे तो बहुत हो रहे भाई, साथी इतने बड़े बड़े साथी मत पालो भाई। ये दूसरा सांप है सुबह का, अरे देखिए मेरे से तो खैर लंबा ही है, इसको पकड़ लिया गया। हम तो नहीं, इन्होंने तो यहाँ पर देखा है, वो तो हमें तो पता भी नहीं था। नहीं
वो तो इन्होंने देख लिया बीच में तो मोटा है। इसकी हरकत देखिए, ये इन्हीं हरकतों की वजह से घोड़ा पछाड़ का जाता है। ये पैर बांधने की कोशिश कर रहा है, पैर ये बांध रहा है। ये भी कल की हाइट का सांप है, कल भी इतना ही बड़ा था। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना कर, सांप की सूचना आप एक साड़ को दे, वन विभाग को दे, हमें दे। ये भी अभी मच्छी वाला वन विभाग से हमें सूचना मिली कि इनके घर में सांप है। यहाँ से कई बार पूर्व में भी हम सांप पकड़ लेके जा चुके हैं, इसको पकड़ लिया गया। अब इसको इसके प्राकृतिक वास में छोड़ दिया जाएगा। इस समय गर्मी बढ़ रही है, पानी की तलाश में, शिकार की तलाश में और थोड़े ठंडे की तलाश में ये सांप घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितना मुंह उसने कर दिया है, सीधा बाहर निकाल दिया है। सांपों ये प्राकृतिक जीव है, इसको भी जीने का हक है। ये देखिए करीब 7 फुट करीब सांप है ये। यदि आप कोई सांप दिखाई दे तो आप इसकी सूचना वन विभाग को दें, अपना आप छेड़छाड़ ना करें, आपको और आपके परिवार को खतरा हो सकता है। और ये पूरी अपनी ताकत दिखाते हुए डाल दो, दो नहीं डालना नहीं जो ले जो। जंगल में पहली बार आप देख रहे होंगे कि कोई महिला हमारी बहन इस थैले को खोल कर सांप डलवाते हुए। बाकी तो पूरा मोहल्ला तरफ हो गया, दूर दूर से लोग तमाशा देखने आ जाते हैं, पर उसको मदद कोई नहीं करता। अब इसको पकड़ लिया गया, इसको इसके प्राकृतिक वास में छोड़ दिया जाएगा। मेरी गौशाला में सांप घुस गया था, पिल्ले भाई जी ने आके पकड़ लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब किसी को भी मदद की ज़रूरत हो वन विभाग को संपर्क करें और पिल्ले भाई जी की मदद लेने की कृपा करें। साथियों ये दूसरा घोड़ा पछाड़ सांप है, दूसरा सांप है, एक घोड़ा पछाड़ ये है, कल पकड़ा था, आज एक सुबह ही हमने पकड़ा कोबरा नाग। ये अपनी तेजी के लिए जाना जाता सांप है, काफ़ी तेज भागता है। गौशाला में था, अब इसको इसके प्राकृतिक वास में छोड़ा जा रहा है। यदि आपको सांप दिखाई दे, सांप की आप एक फ्रॉड को दें, वन विभाग को दें या हमें दें, आपसे भी छेड़छाड़ ना करें। ये तेजी और हमला करने की स्थिति में होता है, बिना जहरीला सांप है, परंतु लोग जानकारी के अभाव में इनको मार देते हैं। आपसे पुनः निवेदन, इस प्राकृतिक जीव को ना छेड़ें, ना छेड़खानी करने दें। इस समय इनका पढ़ने लेने का समय चल रहा है, ज़्यादातर ये जोड़ों में मिलते हैं और एक हफ्ते तक ये जोड़ों में रहते हैं। इसका अंडे, बच्चे, ये भी अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं, परंतु आजकल खेतों में खाद वगैरह डलती है, कीटनाशक पदार्थों से इनकी भी आबादी में काफ़ी नुकसान होता है। इनके नुकसान होने से चिड़िया, कौआ, तोता, चूहा, खरगोश, जो भी जानवर हैं उनकी आबादी बढ़ती है, उनकी आबादी को घटाने के लिए ही सांप खेतों में रहते हैं। ये चल दिया, सांप को उसके प्राकृतिक वास छोड़ दिया गया। सांपों के साथ छेड़छाड़ न करें, इसकी सूचना एक्सपर्ट को दें, वन विभाग को दें, हमें दें। धन्यवाद।